गाइज, माय नेम इज़ वीरेन सिंह। वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। अब सवाल ये उठता है कि सर, कई सारी चीज़ें चल रही होती हैं, एक छोटा सा जो मेरा मन कह रहा है, मेरा इल्यूजन कह रहा है या मेरा इंट्यूशंस जो होते हैं अंदर से, एक आता है ना कि बार बार ये चीज़ बहुत बार मेरे साथ होती है और मैं अपने लर्नर्स के साथ डिस्कस करता रहता हूँ, लेकिन ये मैं यूट्यूब पर भी डिस्कस कर रहा हूँ इस बार, क्योंकि एक्चुअली जो इंट्यूशंस मेरे साथ आ रहा है, अगर आपने DBT GRF का पेपर दिया था या नहीं भी दिया था, ठीक है, जो लॉजिक या जो मेरा लॉजिक कह रहा है, इसी वजह से मैं इस वीडियो में जुड़ा हूँ। दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप फॉर द CSIR December 2020, कि बच्चे पढ़ तो रहे हैं, ठीक है, अगर DBT GRF एग्जामिनेशन आपने देख दिया है या नहीं भी दिया है, जो परफॉर्मेंस है 200+ स्कोर करने वाले बच्चे कई सारे हैं, क्योंकि सेक्शन DBT GRF में ऑलमोस्ट शायद इस बार 200+ भी कट ऑफ चला जाए। अगर 200+ कट ऑफ चला जाएगा, ठीक है, तो इस बार का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ होगा। अगर नॉर्मली हिसाब से बोला जाए तो 65%+ कट ऑफ, मतलब जो कि अभी किसी लाइफ साइंस एग्जामिनेशन में नहीं गया है। 60% अभी तक मैक्सिमम था CSIR वगैरह में, DBT में पिछली बार 60% ही था, 60% समथिंग पॉइंट सम, तो एक 181 मार्क्स थे। तो अल्टीमेटली बच्चे पढ़ तो रहे हैं, मतलब भरे पड़े हैं, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते इतना एक्यूमुलेट कर दिया है कि वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब एक्यूमुलेशन का इसका एक जो अवेयरनेस या जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि बेटा CSIR में भी हो सकता है ये, क्योंकि वही बच्चे CSIR में भी अपीयर होने वाले हैं, वही सारे आप एक दूसरे के साथ अपीयर होंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है कि लग जाना है भाई, ठीक है, लोग पढ़ रहे हैं, आप ही अगर नहीं पढ़ रहे हो तो आप शुरू कर दो पढ़ना, क्योंकि अगर अभी भी मौका है सुधर जाओ, ठीक है। सुधरने का मतलब है जो लेजी शेड्यूल है, जो डिसाइड होगा तब पढ़ेंगे, कब एग्जामिनेशन डेट आएगा, ये सब जो करना होगा ना, ये बाद में कर लेना, ठीक है, एग्जामिनेशन के बाद कर लेना, अभी से लग जाओ, क्योंकि अगर आपने लेजीनेस दिखाया और आप लेट होते चले गए, न जाने आपका एक दिन जो वेस्ट करना हो रहा है, उसी एक दिन में कितने ऐसे लर्नर होंगे जो उसको पढ़ के आपसे एक स्टेप आगे निकल जा रहे होंगे। आपने सुना होगा कछुए और खरगोश की कहानी, अब खरगोश मत बनो कि थोड़ी देर तेजी से भागा, फिर एक हफ्ते तक गायब रहे, फिर तेजी से भागा, फिर एक हफ्ते गायब, धीरे धीरे ही सही चलते रहिए, क्योंकि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप थोड़ा 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 डेली पढ़ते रहेंगे तो उनसे ज्यादा बेटर कर पाएंगे, जो कि एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं और 3 दिन सोते रहते हैं, ठीक है। सो अभी भी मौका है कि अपनी पूरी एनर्जी लगा दीजिए, अपने फाइनल गियर पे पैर दबा दीजिए और लग जाइए CSIR के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि जहां तक मेरा अनुमान ये कहता है कि अगर DBT GRF का जो मैंने परफॉर्मेंस देखा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता सकता हूं कि CSIR का कट ऑफ भी हाई हो सकता है, ऑल दो पेपर उसका डिसाइड करेगा, बट स्टिल बच्चे पढ़ रहे हैं। इसका ये मतलब है, मैं नहीं कह रहा कि CSIR का पेपर कैसा आया कैसा नहीं है क्या कट ऑफ होगा, लेकिन बच्चे पढ़ तो रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो जेन्युइनली पढ़ रहे हैं इस टाइम का लॉकडाउन में यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अगर कुछ यूटिलाइज कर रहे हैं तो आपको भी करना पड़ेगा, अगर उनसे कम्पीट करना है और अपनी एक सीट जो है फिक्स करनी है। अगर आप नहीं करेंगे और लेजी बनते चले गए तो डेफिनेट सी बात है ना कि आप थोड़े से पीछे रह जाएंगे, और थोड़ा थोड़े पीछे करते करते हो सकता है कि आप कट ऑफ के पीछे रह जाओ। मेरी कोई इंटेंशन नहीं कि आप कट ऑफ के पीछे रहो, या मैं कभी नहीं चाहता कि आप कट ऑफ के पीछे रहो। मैं हमेशा चाहता हूं जितने भी लर्नर्स मुझसे ये सुन रहे हो या मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या आपको एक लॉजिकल अप्रोच लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिसका आप चाहते हो कि वो अच्छा करे अपने लाइफ में, शायद आपके CSIR या किसी भी एग्जामिनेशन में। मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि आप लोगों के साथ कि कंपटीशन एक दूसरे से नहीं करना, अपने आप से करना है, और अभी से शुरू कर दो, क्योंकि कई लोग पढ़ रहे हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे। उनको देख के पढ़ोगे तो शायद दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अपने आप को देखते हुए कि देखो कोई अगर आगे बढ़ रहा है, अगर धोनी छक्के मार रहा है ना, तो अपोजिशन वाले क्रिकेट टीम को भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई छक्का मारेगा, तभी टीम जीतेगी, ठीक है। ये एक रेस तो है, ऑब्वियसली बात है, कंपटीशन तो है। अगर हम पीछे रह जाएंगे, सामने वाला सीट ले लिया, तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे हम। तो द थिंग इज दैट कि अभी भी मौका है, दस्तूर है, ठीक है, मेहनत करो,
उन चीज़ों पे फोकस करो जो गलतियां करते हो, ये सारी चीज़ें टाइम मैनेजमेंट कट ऑफ एंड ऑल इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाओ और लग जाओ, जो स्किल है जो आता है जो समझ में आया था जो पढ़ा था उसी को रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो और मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। अगर मॉक टेस्ट अभी तक नहीं दे रहे हो तो मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। प्रॉपर इन्वायरमेंट बिल्डअप करो कि मुझे जो है इस पर्टिकुलर दो घंटे में 140-125 जो भी है एक पेपर लेना है, उसमें इतने क्वेश्चन करने हैं और देखना है कितना सही और कितना गलत किया। क्योंकि अक्सर लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता लेकिन घर पे हो जाता है, क्योंकि वो लोग प्रॉपर मॉक टेस्ट नहीं देते या प्रॉपर चीज़ों को अप्लाई नहीं करते। तो इसलिए बेटर है इतना मॉक टेस्ट दो घर पे बैठ के उस प्रॉपर इन्वायरमेंट बना के जैसा एग्जामिनेशन हॉल में होता है कि आपको मॉक टेस्ट का डर ही खत्म हो जाए। आप इतना बार लैपटॉप पे बैठ के पेपर दे दो जितना कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठो तो आपको फर्क ही ना नजर आए कि आप घर पे बैठे हो कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो। ये तब होगा जब आप घर पे बार बार आइटरेशंस के साथ मॉक टेस्ट दोगे। तो स्मॉल सजेशन फ्रॉम माय साइड गाइस कि CSIR भी इस बार ब्लंडर मतलब अच्छा होने वाला है। बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छा करेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे तो भुगतेंगे। इसलिए मौका है, दस्तूर है, लग जाइए और फोड़ दीजिए CSIR को। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो जरूर बताइएगा हमें, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। If your dream is to clear the CSIR NET Life Science, I will bring your dream into reality. With my 4-year experience, smart hacks, smart strategies and smart approach, I will make you fall in love with all the 13 units. My courses are the best combination of smart hacks and the standard books. I am Viren Singh. Join me and my batch and individual courses on an Academy Plus platform and crack the CSIR confidently and smartly. Use the referral code Viren or Viren Life to get the 10% discount. Let's crack it.